उल्लासनगर के मनोज ओचलानी और अंकिता चौधरी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं। वे बुधवार की सुबह 11 बजे बाइक पर बदलापुर गए थे, जहां तेज गति से आने वाली इनोवा कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जहां मनोज की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं अंकिता चौधरी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करने में जानबूझकर देरी की, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तीन चार घंटा होने का है सर, पुलिस का कोई प्रोटेक्शन नहीं। पुलिस वहाँ से आ रहे 10 मिनट में आ रहे, ये कोई तरीका थोड़ी है सर। प्रोटेक्शन चाहिए ना, तीन घंटे से हम लोग यहाँ पे खड़े। एक्सीडेंट हुआ है, किसने उड़ा है, कुछ भी बातें हैं यहाँ पे आके। पहले तो पुलिस को अंदर तो लेने दो, अंदर भी नहीं ले रहे लोग। बॉडी भारी खड़ी है, क्या भारी खड़ी है बॉडी, क्या कहना चाहेंगे, क्या करना है? आप एक्शन ले सकते हो ना, मुझे एक्शन लेना है। पुलिस ने एक्शन ले से तभी तो पुलिस आ पाए जल्दी टाइम पे। आप भी आए हो, कितना टाइम हो गया आप लोग को आके? एक घंटा हो गया आपको आके, तभी भी अभी तक कुछ पता नहीं है। घंटे से बोल रहे बदलापुर से पुलिस निकली है, 20 मिनट का रास्ता, 4 घंटे हो गए नहीं पहुंच पा रही यहाँ पे। कितने बजे एक्सीडेंट हुआ है और कहाँ पे हुआ? 11 बजे हुआ है बदलापुर में, 10:30 बजे। 11 बजे उनके भाई को कॉल आया था, आ जाओ। वहाँ से निकले थे, यहाँ से 1 बजे से यहाँ पे पहुंचे, 1 बजे से यहाँ पे, सब कुछ पता नहीं है। हाँ, एक लेडी है वो एडमिट है हम बदलापुर में। अभी आपकी क्या डिमांड है? मतलब पुलिस का क्या है तरीका? पुलिस अपना रोल करे तो हम लोग निकले ना। पुलिस अपना रोल नहीं कर रही है, उनकी फैमिली घर पे अकेली बैठी है, वो सब एकदम सदमे में है। डेड बॉडी ऐसे बीच में पड़ी है, कैसे कोई लावारिस जैसे लाश है। जो भी है मतलब प्रोसेस जल्दी फॉलो करे, जो भी है मतलब लेट ना करे ना इसमें। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।